नीमराना दिल्ली हाईवे पर पार्ले कंपनी के सामने फ्लाईओवर पर आज लगभग 8:30 बजे के करीब दो डंपर साइड लेने के दौरान आपस में भिड़ गए। दुर्घटना के दौरान एक डंपर में क्रेशर भरा हुआ था जबकि दूसरे में डामर की रोड़ियां भरी हुई थी। दोनों ही वाहनों में क्षमता से अधिक लोड भरा हुआ था। साइड लेने के दौरान हादसा घटित होना बताया गया। हाईवे पेट्रोलिंग के ड्यूटी इंचार्ज रामफल चौधरी ने बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पर दो डंपर आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस को बुलाकर डंपर में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत से बाहर निकालकर बहरोड़ की सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल अधिक होने के चलते घायल को रेवाड़ी के लिए रेफर किया गया है। घायल चालक का पैर क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में कराकर हाईवे को सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। शाजापुर टोल प्लाजा से क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को साइड में करवाने का प्रयास किया जा रहा है। डंपर चालक ने अपना नाम नरेंद्र सुथावली यूपी बताया है। कैसे क्या हुआ सर? सर देखिए, एक ट्रेलर आगे चल रहा था, पीछे से दूसरी गाड़ी में आके उसको हिट कर दिया, जिसमें पिछली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो घायल हो गया। उसको सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उसको एडमिट करवाया। कहाँ विजया गए? पैरों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्या कितनी लगी उसके? उसके पैर में लगी बताइए, जैसे गंभीर चोट तो नहीं है, पैर फ्रैक्चर बताया उसका। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला का तो अभी याद उठा रहे हैं, मालूम नहीं पड़ा, अभी मालूम पड़ जाएगा कहाँ का रहने वाला।